पेट्रोल डीजल के दाम तो रोज बढ़ रहे थे, लेकिन अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। सितंबर महीने के पहले ही दिन आम आदमी को झटका लग गया। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस पर 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। पहले से ही महंगाई की मार से चौतरफा लोगों को मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही 100 रुपया प्रति लीटर के आसपास हैं। ऐसे में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। बीते 15 दिन में 50 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। Cost of LPG cylinders has been increased yet again. The price of a cylinder for domestic use has been hiked by 25 rupees 50 paise. This is the second time in 15 days that this has happened. Petrol, diesel, LPG cylinder के साथ साथ खाने के तेल के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं, जिससे आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर बात वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में की। उन्होंने सरसों के तेल के बढ़े हुए दामों पर सवाल उठाए और लोगों की परेशानियों को भी दिखाया। कितनों की नौकरी मिली चली गई, कितनों को मिली, इसका डेटा सरकार नहीं देती है। जीडीपी का हिसाब किताब को समझने वाले लोग इस बात पर हंस रहे हैं। वो इस बात पर भी हंस रहे होंगे कि जनता वाकई इस पर यकीन कर रही है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ट्विटर पर #IndiaBounceBack ट्वीट करने वालों में ये महिलाएं नहीं हैं जो पानी में सब्जी उबाल रही हैं क्योंकि 200 रुपया किलो सरसों तेल नहीं खरीद सकती हैं, क्योंकि इनकी और इनके पति की कमाई बंद हो गई है। उबली हुई सब्जी में 2 बूंद तेल मिलाकर तेल के स्वाद को याद रखा जा रहा है। इन तस्वीरों में आपको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नजर नहीं आएगा। मिट्टी के चूल्हों पर खाना पक रहा है। सरसों तेल का ना तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंध है ना आयात से। जमाखोरी का शक होता है, लेकिन जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं के पीछे मशरूफ हैं। जोंद्रेज और अनमोल सोमांची का एक पेपर है कि प्रथम तालाबंदी के समय लोगों के खाने में पौष्टिकता कम हो गई। बढ़ती महंगाई पर कुछ सवाल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए। उन्होंने मोदी सरकार की काफी आलोचना की और आम आदमी को राहत देने की बात कही। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीस सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीस सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीस डीजल, 88 रुपीस आज, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी के नेता अक्सर अजीबोगरीब बयान देते हैं। इस पर एक बयान उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐप के जरिए अगर कहीं बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा कम ज्यादा या आगे पीछे भी किया जा सकता है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। मीडिया की भूमिका महंगाई जैसे मुद्दों में तो कम ही रहती है। खैर, इन दिनों मीडिया अफगानिस्तान के मुद्दे में ज्यादा व्यस्त है। मीडिया अगर कुछ ना मिले तो कांग्रेस की या अन्य विपक्षी दलों पर सवाल उठाता दिखता है। नफरती वीडियो का डायरेक्टर कौन है? दरअसल यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में जहरीले वीडियो की फैक्ट्री चला कौन रहा है? क्या नफरती वीडियोस के जरिए देश का माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं हो रही? कांग्रेस ही मध्य प्रदेश को तो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास कर कांग्रेस है क्या? ये वीडियोस के पीछे कांग्रेस है क्या? एक मिनट सुनिए ना, आप ताल ठोक के कह रहे हैं इन वीडियोस के पीछे कांग्रेस। किसी कांग्रेसी को पकड़ा अब तक आपने? मिथुन जी आप करवा रहे हैं सब, क्योंकि फायदा तो देखिए इनको तो फायदा है नहीं ऐसे वीडियोस आने से, है ना? अब ऐसे वीडियोस आएंगे तो इन्हीं पर सवाल उठेंगे, तो इस वीडियोस के पीछे कोई दुश्मन ही होगा, वो आप हो सकते हैं, वो बीजेपी कह रही है ऐसा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंक के सारे भाईजान खुश, अब अफरीदी भाईजान तालिबान के दीवाने हो गए हैं। तभी हम कह रहे हैं पाकिस्तान को तालिबान पसंद है। तालिबानी वायरस के कितने पैरोकार, ये तालिबानी सोच का वायरस जो है ये आप भारत में क्यों फैलाना चाहते हैं, बताइए ना मुझे। गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद सरस्वती अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हालांकि उनके एक ऐसे ही बयान ने अब उनको मुसीबत में डाल दिया है। उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वे बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें कहते दिख रहे हैं। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे हैं। ये है अब ईमानदार और जैतमान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहां गया है। पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, नहीं जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा है। उनके इस वीडियो को लेकर कभी उनके समर्थन में रहने वाले बीजेपी नेताओं ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कार्रवाई की मांग की है। नरसिम्हानंद सरस्वती की टिप्पणी पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यदि नरसिम्हानंद सरस्वती के महिलाओं के प्रति सोच किसी भगवादारी की हो ही नहीं सकती। मिश्रा ने नरसिम्हानंद को जिहादी सोच से बीमार कोई कुंठित आदमी बताते हुए NCW और UP पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की। कपिल मिश्रा ने कहा कि ये व्यक्ति माँ जगदम्बा के मंदिर में बैठने योग्य नहीं है। गौरतलब है कि ये वही कपिल मिश्रा है जो कुछ दिन पहले यति नरसिम्हानंद के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इस मुद्दे पर कुछ जानकारी द देशभक्त YouTube चैनल के एंकर आकाश बैनर्जी ने भी दी है। यति नरसिम्हानंद का ये जो नफरत का एजेंडा है, ये सिर्फ औरतों के अगेंस्ट नहीं है, इससे बच्चे भी नहीं बचते हैं। गलती से एक बच्चा क्या आपके टेंपल पे आ गया पानी पीने दासना देवी में, आपके चीफ प्रीस्ट रंगी यादव ने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा पानी पीने के जुर्म में, जबकि लिखा जाता है शास्त्रों में कि दुश्मन तक को पानी कम से कम जरूर पिलाया जा सकता है। लेकिन ये जो हेट की फिलॉसफी है ये किसी को नहीं छोड़ती है, ना बच्चे को ना औरतों को। यति नरसिम्हानंद सरस्वती यति बनने से पहले दीपक त्यागी के नाम से जाने जाते थे, केमिकल इंजीनियर थे और उन्होंने अपना M.Tech खत्म किया था मॉस्को से। वैसे केमिकल इंजीनियर अभी भी हैं, मुंह से जहर उगलते हैं और कम्युनिटी में जहर घोला जा रहा है, तो इंजीनियरिंग भी अभी भी जारी है और केमिकल प्रोसेसेस भी अभी तक जारी है। और जब तक यति नरसिम्हानंद एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे थे वो हीरो थे, प्रॉब्लम तब हुई जब यही फ्रैंकेनस्टाइन वाला मॉन्स्टर आके आपका हाथ काटने लगा। यति नरसिम्हानंद के इस विवादित बयान के बाद उन्होंने इस पर सफाई भी दी है और वीडियो को गलत बताया है। इसके अलावा और भी कई बातें उन्होंने कही। ये तो वीडियो वायरल हो रहा है, ये बहुत पुराना वीडियो है, इस वीडियो को एडिट करके किसी ने फेसबुक पर डाला। फेसबुक पर जुबैर नाम का एक जिहादी है और उसकी पूरी टीम है, आरफा खानम, शेरवानी, बहुत सारी महिलाओं की, एक जिहादियों की द प्रिंट, द वायर, ऐसी एक पूरी टीम है। इन लोगों ने उस वीडियो को उठाया, बहुत बुरी तरह एडिट किया, एडिट करने के बाद जो अर्थ था उसका अनर्थ कर दिया और इसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। अब वहां से इनकी झूठन को उठाया वामपंथियों ने और वामपंथियों के बाद अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी कहने वाले जो इनकी झूठन खाने के आदि लोग हैं, उन्होंने इस वीडियो को उठा लिया और मेरे खिलाफ माहौल बनाने में रात दिन एक कर दिए। कल से उनकी कुछ पुरानी वीडियोस भी अब काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें वह काफी बातें करते हुए नजर आ रही हैं। आज आप एक मुसलमान को चलता हुआ देखिए, मुसलमान जब चलेगा तो छाती काट के चलता है, हिंदू का लड़का छाती झुका के चलता है। हिंदू की लड़की छाती निकाल के चलती है, मुसलमान की लड़की छाती दबा के चलती है। ये बहुत बड़ा अंतर, और मैं इसे कह रहा हूं भाई, और लगाओ 4 FIR, लगाओ 4 FIR। हमारी अपनी बेटियों ने हमारी दुर्गति करवा दी है। आप इस वीडियो के देखने के बाद जो भी राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ
you like our channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.